हेलो एवरीवन, डॉक्टर रुचि देसाई, वेलकम टू आवर चैनल रिश पुश। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू थैंक्स आवर सीनियर मोस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन डॉक्टर नवदीप शर्मा जी टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी फॉर कनेक्ट विद यू एंड गाइडिंग यू रिगार्डिंग इंटरनेशनल योगा डे। यस, विश यू ऑल इंटरनेशनल योगा डे फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे। सी, इंटरनेशनल योगा डे वी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जून ऑन 21st टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ लाइक योगा एंड how yoga is so much important for a person to have a healthy life and how it impacts on the lives of people. So why it is celebrated on 21st June only? See, 21st June it is also called as a like summer solstice, you can say, which is the longest day of the year. That's why it was decided to celebrate yoga, International Yoga Day, on this day especially. Okay, so yoga is something which is physically, mentally and spiritually make a person more stronger, more healthier, and it is a kind of health assurance in a zero budget, you can say. So it is very important that everyone should do yoga every day at least for 15 to 20 minutes to just give some time to your mind, your body, to have a proper unity of your body with your mind and thought with your action, your health with your health being, well-being, right? So let's work towards the healthy lifestyle with the adapting yoga as a daily dose in your lifestyle. So happy International Yoga Day once again, and thank you, and just subscribe our channel for like such kind of informations in future. Thank you, have a nice day. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रिश पुश में। सबसे पहले मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा जी का थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने आप सभी के रूबरू होने का मौका दिया। आज वर्ल्ड योगा डे पर मैं कुछ योगा जो पोस्चर्स और कुछ बेनिफिट्स हैं फॉर ओल्ड एज वो बताना चाहूँगी। बढ़ती उम्र के साथ साथ जो हमारा शरीर है वो कमज़ोर होने लगता है, लेकिन शरीर का पूरी तरह से कमज़ोर होना या ना होना हमारे हाथ में होता है। तो अगर हम योगासन रेगुलरली करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारी बढ़ती उम्र जो है उसमें खुद को हम फिट रख पाएंगे। तो साथ ही में अगर जैसे कि कई लोगों को कुछ कमर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, नी पेन की प्रॉब्लम रहती है, वीकनेस रहती है, बदन दर्द रहता है, कई और प्रकार के रोग जो हैं उनको होते हैं, तो उसमें जो अगर वो रेगुलरली योगा करेंगे तो उनको ये इससे वो निजात पा सकेंगे। तो योगा आसन ज़रूर करने चाहिए। तो सबसे पहले जो आसन है वो है शवासन। शवासन में क्या है, आपने पीठ के बल लेट जाना है और अपने जो हाथ हैं वो 4 से 5 इंच जो है दूरी पर रखनी है बॉडी से, और साथ ही में नॉर्मली जैसे हम गर्दन को जो है सीधी पोजीशन में रखना है तो उसी तरह आपने अवस्था में जो है लेटे रहना है थोड़ी देर तक। तो शवासन ज़रूर करना चाहिए, इससे क्या होगा आपकी बॉडी काम रहेगी और रिलैक्स रहेगी, और साथ ही में जो इंसोमिनिया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, वो भी ठीक रहेगी, वो भी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट आसन है त्रिकोण आसन। ये भी ट्रायंगल पोज हम इसको कहते हैं। ये भी ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो रेगुलेट करता है, और साथ ही में एक और आसन है जिसे हम बद्धा कोना आसन कहते हैं, जिसे हम बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं, वो भी बहुत ही बेनिफिट होता है। और साथ ही में आप जैसे कि चेयर पर बैठ के भी कुछ आसन कर सकते हैं, बेड पर बैठे बैठे भी स्ट्रेचिंग जो है वो कर सकते हैं बॉडी की, और अगर नहीं उठ के हो पाता तो कुछ आसन जो है आप चेयर पर भी बैठ के कर सकते हैं। अलोम विलोम भी आपने ज़रूर करना है, ठीक है।
और साथ ही में कुछ और आसन्स हैं, जैसे कि जो मैंने अभी आपको बताया है कि बटरफ्लाई पोज तो आपने करना ही है, साथ में त्रिकोण आसन भी करना है एंड साथ ही में शवासन भी करना है, और भी ऐसे प्राणायाम योगा जो है वो आपने करने हैं, साथ में आपने कटी चक्र आसन भी करना है, भुजंगा आसन भी करना है। ये इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उसको इम्प्रूव करेगा, और साथ ही में जो स्टैंडिंग स्पाइनल जो मैंने अभी आपको बताया है ट्विस्ट है वो, जिसे हम कहते हैं कटी चक्र आसन, तो वो भी आपने ज़रूर करना है। पवन मुक्ता आसन है वो भी आपने ज़रूर करना है। तो ये जो आसन मैंने योगा आसन बताए हैं आपने ज़रूर अपनी डेली रूटीन में इनको करना है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी में पेन की प्रॉब्लम रह रही है, नी पेन की प्रॉब्लम रह रही है और साथ ही में कई प्रकार के रोग हैं वो आपके ठीक होंगे इससे, तो ये आपने ज़रूर अपनी डेली लाइफ में करना है। इसी के साथ मैं डॉक्टर शिवानी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ऐसी और ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचिका, आज विश्व योग दिवस पर आपका हमारे चैनल इष्ट पुष्ट पर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे सीनियर मोस्ट डॉक्टर नवदीप शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें अपने चैनल पर रूबरू होने का मौका दिया। आज मैं आप सबसे योग के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करूँगी, जो है योग एवं अध्यात्म, यानी योग एवं स्पिरिचुअलिटी। योग अर्थात मिलन या जोड़, किसका? आत्मा से परमात्मा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और हमारी भगवद गीता में भी लिखा है सत्वम योग उच्यते, अर्थात मन का संभाव ही योग है, और मन को हम करने के लिए हमें योग एवं प्राणायाम आवश्यक है। उदाहरण से अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम में श्वास प्रश्वास की गति, यानी दो नाड़ियाँ होती हैं ईड़ा एवं पिंगला, जिसे हम सूर्य एवं चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, इन दोनों पे ध्यान ठहराकर त्रिनाड़ी तीसरी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान ठहराते हैं। सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान ठहराने के बाद हमारा अध्यात्म के पड़ाव पर पहला पड़ाव पार होता है। और भी योग की प्रक्रियाएं हैं एवं प्राणायाम की प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि कपालभाति, भ्रमरी एवं हठ योग की क्रियाएं। ये सब क्रियाएं हमारे मन को एक चित एवं एक आग्रित कर अध्यात्म मार्ग की ओर अग्रसर करती हैं। जैसे कि मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि यू कैन यूज योगा टू गेट रिड ऑफ योर बैक एक, और यू कैन यूज इट इज अ लैडर टू डिवाइन। अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपनी जीवन शैली में ढालिए, स्वस्थ रहें एवं मस्त रहें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ डॉक्टर नवप्रीत एंड वेलकम टू आवर चैनल ऋषिकुश। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें मौका दिया आपके सामने रूबरू होने का, और आज वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि आप सबको पता है, शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ही अहम है, हेल्दी लाइफ इज़ अ हैप्पी लाइफ। और योगा, अगर हम योगा की बात करें तो योगा के बहुत ही फ़ायदे हैं डे टू डे लाइफ में,
जैसे कि हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मसल टोन्स को बिल्डअप करता है, बच्चों के लिए, ओल्ड एज के लिए, या किसी को कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए अलग अलग योगा आसनास होते हैं। तो अगर हम बात करें स्किन की, उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। और अगर हम डेली योगा करते हैं तो हमारी स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और रिंकल्स जल्दी नहीं आते हैं। और वैसे भी अगर हम बात करें किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ की, उसकी मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे कि किडनी पेशेंट हो गए, अर्थराइटिस के पेशेंट हो गए, पैरालिसिस के पेशेंट्स हो गए, पार्किंसन के पेशेंट्स हो गए, तो इसमें अगर हम मतलब योगा करते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और हमारी मतलब बॉडी को, या फिर हमारे जैसे कि कई पेशेंट होते हैं एनजाइटी के, डिप्रेशन के, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है योगा। और इसमें जो है डिफरेंट डिजीज़ में, अगर हम बात करें डिफरेंट डिजीज़ में डिफरेंट योगा आसनास रहते हैं, और एज के अकॉर्डिंग भी जो है वो डिफरेंट योगा आसनास रहते हैं। जैसे कि हमारे और भी आगे वीडियोस आ रहे हैं, उसमें हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो आपको एज के अकॉर्डिंग हमें कौन से आसन जो हैं वो करने चाहिए वो आपको बताएंगे। और प्लीज़ बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपके साथ जो है शेयर की जाएँ। Myself Dr. RP from Endicare Nirugam Private Limited. First of all, a very happy International Yoga Day to all of you, and today we will be learning that how yoga is important in the middle age, that is after 40 years of age, how yoga can help you in maintaining your health. So if we talk about general exercises in younger age, we all prefer weightlifting, running exercises, but with increase in age or when we get age after 40 years, it becomes risky for us to do weightlifting and running exercises because it directly affects our joints. So it may damage the joints, the cartilage and the muscles may get tear with heavy weightlifting and running exercises. So there comes yoga and meditation because they are very easy, very risk-free, we can say, and they are very good to maintain your general health. So which asanas can be done after 40 years of age, I'll name a very few of them, like Dhanurasana can be done, Camel Pose can be done, Ardha Matsyendrasana can be done, Ardha Kumarasana can be done, Janushirshasana can be done, which is very good for your knee joints. So if we talk about how and what are the benefits of yoga in middle age, they improve the strength of the muscles because as we know, with the increasing age, our muscles, they get, the elasticity is increased, they get loosened up. So it helps in strengthening the muscles, it increases the bone mineral density, so the bony health is also a main improvement we can see with the yoga exercises. And apart from this, we can say that it helps in a balancing of the body, like tree pose. Those who practice tree pose, their balancing of the body is very much improved. And yoga is very good for the health of your heart because it improves anxiety, it improves your blood pressure levels, it improves the cardiac heart failure symptoms, and a lot of improvements with the increased age, like sleep improvement of your stress, everything. So thank you, have a nice day. Thank you. Namaste, swagat hai aap sabka. Happy yoga day to all. आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों के केसेस में, जो हमारे घर में किड्स होते हैं, तो उनके केसेस में हम कौन कौन से योगा पोस्चर्स हैं जो उनको हम बता सकते हैं और साथ ही उनको करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, बच्चों को समझाना आज के समय में इट्स लाइक कि आपको एक ट्रेनिंग उनको देनी पड़ती है। तो आपको करना क्या होता है कि देखिए, योगा के पर्पस क्या हैं, मेरे जितने भी को कलीग्स हैं आपको सब बताएंगे कि क्यों हम योगा डे सेलिब्रेट करते हैं और योगा करने का मकसद क्या होता है। तो आयुर्वेद कहता है योगश चित्र वृत्ति निरोधः, जो योग है वो हमारे चित्त की जितनी भी वृत्तियां हैं, हमारे चित्त में जितनी भी परेशानियां हैं, उनको जो है
उसको निकालता है, निर्हरण करता है उसका। तो इसीलिए बच्चों में भी आजकल जिस प्रकार से कोविड काल के बाद जो एक गेमिंग का जो एक शौक पैदा हुआ है बच्चों में, या वो घर पे रहते हैं ज़्यादा, प्लेइंग सेशन पे नहीं जा पाते, आउटडोर गेमिंग नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में किस प्रकार से हम बच्चों की मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ के ऊपर हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ बहुत ही ईजी से योगा के पोज हैं जो मैं आपको बताऊँगी, जो कि आप बच्चों को घर में भी करवा सकते हैं। देखिए, बच्चों को सबसे पहले एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो साथ ही साथ आपको बच्चों के साथ वो सारी एक्टिविटीज़, सारे योगा के जो पोस्चर्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे कि उनका जो है कामनेस बढ़ेगी, उनकी एक स्टेडीनेस बढ़ेगी, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी पढ़ाई के अंदर या वो जो भी काम करते हैं, साथ ही साथ आगे चल के अभी उनकी स्टडीज़ में आगे चल के उनको जो फोकस है वो फोकस को जो है वो कंसंट्रेशन वो दे पाएंगे। तो कुछ ऐसे योगा पोस्चर्स हैं जो कि आप बच्चों को जो है घर पे ही करवा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले, जैसे बच्चा अगर छोटा है या बच्चे की एक मिड एज है, तो उसमें सबसे पहले आप सुखासन से शुरू कीजिए। सुखासन जो होता है वो एक तरीके से चौंकड़ी मार के, पालती मार के बच्चों को एक बैठाने का तरीका होता है, जिससे कि वो एक कंसंट्रेशन से बैठना शुरू करते हैं। हो सकता है इनिशियली बच्चे थोड़ी सी आनाकानी करें, लेकिन जब हम सिखाने लगते हैं विद अ पॉजिटिव माइंड एंड विद अ पॉजिटिव फ्रेम, तो होता यह है कि बच्चों को आप बैठा के एक सिटिंग की आदत डालिए, तो वो धीरे धीरे जैसे आपको देखेंगे वो वैसे ही चीज़ें फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले आप जो है सुखासन में बिठाइए, ईजी ब्रीथिंग करवाइए बच्चे को, लंबी सांस लेना, इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन विद अ काम एनवायरनमेंट। म्यूज़िक आप ऐसा लगा के रखिए कि जिसमें ओम का मेडिटेशन वाला म्यूज़िक हो, जिससे कि बच्चे का एक कंसंट्रेशन और वो अच्छा सुखासन में बैठना शुरू कर देता है। नेक्स्ट वी गो टू पद्मासन, जिसमें बच्चे की जो लेग्स हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, पुलिंग होती है, साथ ही साथ उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है जब वो इरेक्ट रहता है, सीधा रहता है, तो अगेन जो एक कंसंट्रेशन जो होती है बच्चों की वो बेटर हो पाती है। जैसे ही हमने सुखासन सिखाया, सेकेंड स्टेप वुड बी आर कि हम उनको जो है पद्मासन सिखाएं। पद्मासन सिखाने के बाद साथ ही साथ आप थोड़े से पोस्चर ऐसे सिखाइए जिससे कि बच्चे की अगेन हमारी जो फुल बॉडी है उसकी स्ट्रेचिंग हो सके। सपोज़ आपने सुखासन सिखा दिया, पद्मासन सिखा दिया, उसके बाद आप वृक्षासन सिखाइए। वृक्षासन में होता यह है कि लंबे आपने जो है बच्चे को सीधा खड़ा करके और उनके हाथ जो हैं वो फोल्ड करके और उनके टोस के ऊपर उनको खड़ा करवाना होता है। तो उससे होता यह है कि आपकी जो फुल बॉडी है, वी से फ्रॉम द हेड टू द टो, आपकी एक स्ट्रेचिंग होती है बॉडी की, और वो स्ट्रेचिंग के साथ होता यह है कि बच्चा अपनी हाइट भी खींचता है, उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, एक पोस्चर बैलेंस आता है बच्चे का, ताकि वो चीज़ों को थोड़ा कंसंट्रेटेड होके हम कह सकते हैं कि हाइट वाइज, हेल्थ वाइज एंड मेंटली उन चीज़ों में जो है वो कंसंट्रेशन को अपनी बना सके। उसके बाद इसके अलावा आप मार्जार आसन करवा सकते हैं, जिसमें कि कैट का एक पोज बनवाते हैं। जैसे आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि किस प्रकार से आप कैट जैसे बैठती है, उस प्रकार से आप अगेन लंबी सांस लेके इनहलेशन और एक्सहलेशन का आपने ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे की बैक की मसल्स, एब्डोमेन की मसल्स, लेग की मसल्स, सब में एक तरीके से जो है वो पुलिंग आती है। ये जो आर्म्स वाला एरिया है उसमें एक पुल आता है। तो आप सुखासन सिखा सकते हैं, पद्मासन सिखा सकते हैं, फिर वृक्षासन सिखा सकते हैं, मार्जार आसन सिखा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वृक्षासन है, उसी प्रकार से आप ताड़ासन जो है वो ताड़ासन भी बच्चे को करवा सकते हैं, जिसमें एक लेग जो है वो फोल्ड करके आपने दूसरे लेग के ऊपर रखना होता है। तो उससे क्या होता है कि एक लेग के ऊपर बच्चे का जो है वो बैलेंस बनता है, और वो बैलेंस बन के अगेन उसकी जो कंसंट्रेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, राइट। और इसके साथ साथ जैसे भुजंग आसन है, बच्चे को सीधा लेटा दीजिए, लंबी सांस लेते हुए वो पीछे की तरफ जाएगा एंड देन हिल कम डाउन। तो ये स्ट्रेच के कारण होता यह है कि अगेन बच्चे की जो फिजिकल एक्टिविटी है एज वेल एज मेंटल जो फोकस है वो बच्चे का बढ़ता है। तो इन सारे पोस्चर्स को जो कि इजी हैं, हम आराम से बच्चों को घर पे करवा सकते हैं। गाइडेंस के लिए आप हमारी वीडियोस भी हैं बच्चों की, वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके, ऋषपुष चैनल पे। एंड वी वुड विश यू कि यू ऑल स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। योगा डे की आपको अगेन शुभकामनाएं। डॉक्टर अंकिता साइनिंग ऑफ, टेक केयर।
गुड डे। आई डॉक्टर लतिका ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्ट पुश्ड विश यू ए वेरी हैप्पी वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे। बिफोर शेयरिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू द डॉक्टर नवदीप शर्मा द वर्ल्ड रिनाउंड आयुर्वेदा हीलर who has received an award from British Parliament in UK recently under his guidance as a mentor. Today I am available at this platform to share with you things to keep in mind while practicing yoga. Yoga consists of set of exercises which increase longevity through regular practice. It is also an inhalator of all ailments. Yoga practice lend relief to those plagued by various diseases. Yoga also build character as it helps the mind to control itself. It improves memory and dynamism. A disciplined life is important in yoga. There are few things which I would like to share with you that one should keep in mind while practicing yoga. Yoga practice should be started or ended with prayer or meditation. Physical and spiritual purity is very important. The location chosen for yoga practice should be clear and have sufficient air circulation. We should set a particular time and we should be empty stomach in morning or evening. Do not do it in hurry. Have a mental control. Never do yoga with turbulent mind. Do not practice yoga immediately after having food. Have sattvic diet and keep yourself hydrated. While doing yoga for the first time, it is normal to feel some difficulties. These are the signs of purification process happening in the body. It is nothing to worry. One should stay focused while doing yoga. Applying the right amount of efforts, one can have a rewarding yoga practice. It is the form of meditation and meditative exercises. So give yourself 100% to get maximum benefit and to get rid of toxins from your bodies. Applying the right amount of efforts, one can have a rewarding yoga practice. A warm-up exercises and stretches before yoga asanas is mandatory to avoid injuries. Yogic practice should be performed slowly and perform it according to your own capacity. So, I hope the above shared information will help everyone who is moving on this path. Thank you so much.